ये लो परी। क्या हुआ परी, तुम इतनी सैड क्यों लग रही हो? कोई टेंशन है? आई एम अपसेट, लेकिन पता नहीं क्यों आज मेरा दिल कह रहा है कि कुछ अच्छा होने वाला है। शायद आज मैं खुश होने वाली हूँ। अब तक आजोबा ने अंकिता को इतना सुनाया होगा कि वो मुंबई छोड़ के जाने वाली होगी। परी, किन्नरी, आजोबा सबको बाहर बुलाया है। अंकिता भी साथ में और आजोबा भी गुस्से में लग रहे हैं। Let's go. अंकिता की शक्ल देखने में मजा आएगा। मेरी सैलरी काटी थी ना उसने। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। अजूबा आपने बुलाया? अंकिता ने परी को चेक्स इश्यू नहीं किए सैलरी के, वो गलत था। देखा, अजूबा भी मानते हैं कि अंकिता गलत है। हम सभी ऐसा सोच रहे थे, मैं भी, लेकिन हमारा ऐसा सोचना आधी इंफॉर्मेशन पर बेस्ड था। अंकिता के इस डिसीजन के पीछे एक कहानी है, जो कहानी हमें पता ही नहीं है, और वो कहानी मैंने सुनी है। और मुझे लगता है कि अंकिता ने परी के साथ जो कुछ भी किया वो बिल्कुल सही था, कुछ गलत नहीं किया। इनफैक्ट अंकिता ने वही किया है जो एक MD होने के नाते उसे करना चाहिए था। मैं अंकिता की तारीफ करना चाहूंगा। लोग अक्सर बिजनेस और पर्सनल रिलेशंस को मिक्सअप कर देते हैं, अपने करीबी लोगों को, अपने रिश्तेदारों को फेवर करते हैं, लेकिन अंकिता ने ऐसा नहीं किया। उसने दोनों चीजें अपनी अपनी जगह रखी। आजोबा, आप ये क्या कह रहे हैं? अंकिता को फायर करना चाहिए और आप उसकी तारीफ कर रहे हैं? उसने मेरी सैलरी काटी है, मेरी मेहनत की कमाई। वैसे तो इसने मुझसे बहुत कुछ छीना है, लेकिन वो सब छोड़िए। अजूबा, नाउ इट्स नॉट ए सीक्रेट, यहाँ पे सब लोग जानते हैं कि अंकिता मुझसे नफरत करती है। नवीन इसका नहीं हो पाया, उसने इसे छोड़कर मुझसे शादी कर ली। इस बात के लिए मुझसे आज तक नफरत करती है। पर कल सबने पार्टी में देखा कि ये कैसा बिहेव कर रही थी। उसी बात का गुस्सा इसने मेरी सैलरी पर निकाला। इसने अपनी पावर का, अपनी पोजीशन का गलत यूज किया है। अजूबा, शी शुड बी बस। इसने तुम्हारे साथ गलत किया है तो बिना सोचे समझे अंकिता पर इल्जाम पे इल्जाम लगाई जा रही है। तुम्हारा सब कुछ इसने छीना है तुमसे। इनफैक्ट इसने तुम्हारी खुशी की वजह से नरेन को छोड़ा है, अपना परिवार छोड़ा, बनारस चली गई, वहां से वापस नहीं आती। अगर तुमने अपनी गलतियों की वजह से सब कुछ खोया है, अंकिता ने कुछ गलत नहीं किया, उसने जो कुछ भी किया है बिल्कुल सही किया। मुझे अंकिता ने कंपनी से दिए जाने वाले अलाउंसेस की फाइल दिखाई और उसके हिसाब से तुमने अपनी लिमिट से ज्यादा पैसे खर्च किए। हमारी कंपनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो चाहे जब चाहे कंपनी के पैसे इस्तेमाल कर सकता है। हमारी कंपनी के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, और उसे सभी लोग फॉलो करेंगे, फिर चाहे वो अपना हो या कोई पराया। Rules are same for everybody. तुमने कुछ गलत नहीं किया अंकिता। तुम मुझसे पूछ रही थी ना कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं क्या करता, तो मैं भी वही करता जो तुमने किया है। मम्मा, घर तो बना दिया, अब बेड कैसे बनाना है? अशी प्लीज, मुझे डिस्टर्ब मत करो, किसी और से पूछ लो।
नहीं बेटा, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। मम्मा, मेरी काराचा घर बनाया है, आपको देखना है? हाँ, दिखाओ। ये दादा है, और ये आप हैं, और ये मैं हूँ। और वो कौन है? ये अंकिता मम्मा है। क्या? अंकिता? वो हमारे घर में क्यों रहेगी? और आशीष, तुम उसे अपनी मम्मा क्यों बोल रही हो? तुम्हारी मम्मा नहीं है, समझी तुम? क्योंकि मुझे उन्हें अंकिता मम्मा बुलाना अच्छा लगता है। अंकिता तुम्हारी मम्मा नहीं है, समझी तुम? अब प्लीज जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ दो मुझे। क्या हुआ परी? तुम आशी पे क्यों चिल्ला रही हो? किन्नरी प्लीज, इसे यहाँ से लेके जाओ। किन्नरी प्लीज। ओके ठीक है, चलो आशी, हम बाहर खेलेंगे। ओके। हेलो। जो सच्चाई तुम सबसे छुपाने की कोशिश कर रही हो, वो सच्चाई मैं जानती हूँ। What? कौन बोल रहा है? कौन सी सच्चाई? मैं तुम्हारी वेल विशर हूँ। और जो एक्सीडेंट आगरा में तुमसे हुआ था? हेलो। हेलो, क्या हुआ? तुम दोनों इतने चुपचाप क्यों बैठे हो? छोटी माँ, आज आशी किसी से बात नहीं कर रही। क्यों, क्या हुआ? उसकी मम्मी ने उसे डांटा। आशी, मम्मा से भी बात नहीं करोगे? ठीक है, आशी तो हमसे बात नहीं कर रही है। तो वैष्णवी, हम एक काम करते हैं, हम दोनों है ना आँख मिचोली खेलते हैं, हम दोनों ही खेल लेते हैं। अब आरुषि मैडम बहुत बिजी हैं, उन्हें गुस्सा आ गया है ना। ठीक है आरुषि, मैं भी तो हूँ। ओ माय गॉड, अब तो तेजू आदे भी हमारे साथ खेलने वाली है, तो फिर आरुषि तो अकेली रह जाएगी। पर कोई बात नहीं, हम तीनों मिलकर खेल लेते हैं। चलो यार, कौन खेलेगा कौन खेलेगा? मुझे लगता है वैष्णवी ना तेजू आदे बहुत अच्छा खेलती है, तो आप इसके आँख पे पट्टी बांधो। अरे नहीं नहीं, इसे खेलना मेलना नहीं आता, ये कहाँ खेलना जानती होगी। नहीं नहीं, वैष्णवी बहुत अच्छे से जानती खेलना, ये खेलेगी। तेजू आते आपको पता नहीं है कि वैष्णवी कितना अच्छा खेलती है, आपको पता है? आता है इसे खेलना? वैष्णवी आता है ना खेलते? हाँ। ओके कम ऑन वैष्णवी, अभी हम सबको पकड़ना है, ठीक है? ओके, बस बराबर। अरे इसे बहुत अच्छे से खेलते आता है, आपको क्या पता है? चलो चलो चलो, 1, 2 and 3, ऑल द बेस्ट। मैंने भी यही कहा था, फिर भी इसको पट्टी बांधती। तो आपको बहुत खेलते आता है ना? मैं खेलती हूँ, रुको। Oh my God, आप तो रेडी हो गए? चलो कम 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 कम। अभी हम आरुषि, वैष्णवी अभी आरुषि की टर्न, ठीक है? इसे okay. बहुत अच्छे से खेलते आता है ना, अभी हम देखते हैं कि मिस आरुषि करमरकर हमें पकड़ पाती है या नहीं। अभी मुझे समझ में आ गया है कि आरुषि करमरकर खेल सकती है। Yes. तो अब मैं आउट हो गई हूँ। भाई आज शाम को मिस्टर आहूजा के साथ मीटिंग है। हाँ मुझे याद है प्रशांत, पर वो तो फिर टाइम पर पहुंच जाना चाहिए, बिकॉज मिस्टर आहूजा टाइम के होने में बहुत स्ट्रिक्ट है, 15 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। हाँ प्रशांत मुझे पता है, तू बिल्कुल टेंशन मत ले। बस प्रॉब्लम है कि मुझे पता नहीं मैं ऑफिस कैसे जाऊंगी, क्योंकि मेरे ड्राइवर ने कार ऑफिस में ही छोड़ दी है। पता नहीं ऑफिस कैसे जाऊंगी, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। कोई नहीं था, ये मेरी बाइक है ना, आज मेरे साथ चल। तू मुझे बाइक पे छोड़ेगा? हाँ मजा आएगा। ठीक है बाइक पे चलती हूँ, लेकिन हाँ गिराना मत, मुझे बहुत डर लगता है बाइक से।
आशी बाय बाय मम्मा कम सून ओके आई विल नाश्ता किया नाश्ता नहीं किया क्योंकि मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है मैं बाद में कर लूंगी चलो चलो बैठो नाश्ता कर लो वैष्णवी मुझे लेट हो रहा है वैष्णवी मुझे लेट हो रहा है प्लीज समझ वैष्णवी मैंने कहा ना मुझे नाश्ता नहीं करना है मैं बाद में कर लूंगी नहीं नाश्ता करके जाओ वैष्णवी मैं कह रही हूँ ना मैं नाश्ता कर लूंगी बाद में मुझे दूध गिर गया लगता है कोई अपशगुन होने वाला है वैष्णवी एक काम करो आप तैयार हो जाना और स्कूल चले जाना ठीक है मुझे ऑफिस के लिए निकलना है मैं चलती हूँ ओके मामा बाय आशी बाय हमें डरिंग कल तो रहे लेकिन कहीं कहीं फंस ना जाए नहीं फंसेंगे मेरा प्लान फुल प्रूफ है आई नो दैट बट कहीं कहीं परी को शक ना हो जाए नहीं होगा इस वक्त तो वो ये सोच रही होगी कि उसकी सच्चाई हमें कैसे पता चले ऐसे देखे तो वो अपनी जान छुड़ाना चाहेगी सो यू डोंट वरी और हाँ नेगेटिव सोचना छोड़ो पॉजिटिव सोचो परी आगे परी हेलो तुम्हारे सामने जो डस्टबिन है ये बैग उसमें रख दो और इधर उधर देखे बिना यहाँ से चली जाओ और हाँ ज्यादा चालाकी करने की कोई जरूरत नहीं ठीक है सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हाथ लगी है इसे काटेंगे नहीं कैश करेंगे खुद आज गहने मिले बाद में पैसे मिलेंगे ये ड्राइवर अब तक क्यों नहीं आया कब से इसका वेट कर रही हूँ फोन भी नहीं उठा रहा मीटिंग के लिए लेट हो रही हूँ क्या होगा ये अभी तक कार में क्यों नहीं बैठी बैठ जाओ अंकिता सिट इन द कार गाड़ी लेके निकलोगी तभी तो जाके एक्सीडेंट होगा तुम्हारे चक्कर में मैंने बहुत कुछ खोया है बस अब और नहीं और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे ऑलरेडी मेरा इतना नुकसान कर चुकी हो अब मैं भी देखती हूँ क्या बात है परेशान लग रही हो कोई बात नहीं कुछ ही देर में तुम्हारी सारी परेशानियां दूर होने वाली हैं हमेशा के लिए Oh God, ये कैब का वेट क्यों कर रहे रोज तो गाड़ी से जाती आज भगवान प्लीज इसे कैब नहीं मिलनी चाहिए थैंक गॉड इसे कैब नहीं मिल रही वैसे भी इस वक्त कैब मिलना तो मुश्किल है अब तो तुम्हें गाड़ी से ही जाना होगा अगर अब कैब मिल भी गई तब तक मीटिंग तो मिस हो जाएगी इतना बड़ा प्रोजेक्ट हाथ से निकल जाएगा और अगर गाड़ी से गई जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा आई थिंक अब मुझे घर जाना चाहिए घर जाती हूँ और वेट करती हूँ गुड न्यूज का आई मीन बैड न्यूज का से मुझे वही सब दिखाई दे रहा है किसका है ये चेहरा कौन है ये लड़की
नो, कैब भी नहीं मिल रही, मुझे ड्राइविंग भी नहीं आती, ऐसा नहीं मैं मीटिंग पे टाइम पे पहुंच भी पाऊंगी या नहीं। इतनी रात को अंकिता को कैब कहां से मिलेगी? लगता है इसकी गाड़ी खराब है, मैं ही छोड़ देता हूं। क्या हुआ, गाड़ी खराब हो गई क्या? ड्राइवर नहीं आया। ओ अब चलो आओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नो थैंक्स, आई विल मैनेज। कितनी जिद्दी है। आपने कुछ कहा? हाँ नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हम एक ही मीटिंग के लिए जा रहे हैं, आओ छोड़ देता हूँ। मुझे अपनी कार में जा, आपकी कार में नहीं आना। अच्छा तो तुम्हारी कार से चलते हैं, तुम समझो कि तुम मुझे लिफ्ट दे रही हो। मुझे आपकी हेल्प की कोई जरूरत नहीं, थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैं बहुत लो फील कर रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों से बात करूंगी तो थोड़ा बेटर फील होगा, इसलिए। क्या हुआ परी, तुम इतना लो क्यों फील कर रही हो? एवरीथिंग ओके है? एक सच्चाई है जो मैंने किसी को नहीं बताई है, और मैं आप लोगों पे भरोसा कर सकती हूँ। क्यों नहीं, प्लीज प्लीज ये बात किसी को मत बताना। अंकिता जिस आदमी से शादी करने वाली थी, उसका एक्सीडेंट नरेन ने नहीं, मैंने किया। What? My God. लेकिन परी, तुम ये बात हमें? बस अपना गिल काम करने के लिए आपको बता रही हूँ। लेकिन इससे भी एक और सीरियस बात है, ये सच्चाई एक औरत को पता चल गई है और वो मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। उसका मुंह बंद करने के लिए मुझे अपने सारे गहने देने पड़े। आप तो जानती है ना, एक औरत के लिए उसके गहने कितने मायने रखते हैं। हमारा घर, हमारी प्रॉपर्टी, कंपनी, सब कुछ तो पहले ही बिक गया था। बस हमारे पास हमारे गहने थे, अब वो भी चले गए। वो ब्लैकमेलर कितना खुश हो रहा होगा ना, मुझे लग रहा होगा कि कितनी आसानी से हमने परी को ब्लैकमेल कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है। जिस बॉक्स में मैंने आप लोगों को गहने दिए थे, उसी बॉक्स में मैंने एक माइक्रोफोन छिपाया था, जिससे मैंने आप लोगों की सारी बातें सुन ली। आप लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे, मुझे। हाँ तो क्या कर लोगी तू? तुमने भी तो एक आदमी का एक्सीडेंट किया, उसे कोमा में पहुंचा है। अब तुम्हारी सच्चाई मैं सबके सामने लाऊं। क्या सबूत है आपके पास? क्या सबूत है ये सच्चाई सबके सामने लाने के लिए? नीना मामी, आप में और मुझ में पता है क्या फर्क है? आपको लगता है कि आप बहुत स्मार्ट है, लेकिन आप है नहीं। आपके पास तो कोई सबूत नहीं है, लेकिन मेरे पास सबूत है। उस माइक्रोफोन के जरिए मैंने आपकी बातें सुनी हैं और रिकॉर्ड भी की है। और ये बातें अगर मैं सबके सामने ला दूं, तो आप सोच ही सकते हैं कि आपकी क्या हालत होगी। कोई भी प्रोफेशनल ब्लैकमेलर पैसों की जगह गहने नहीं मांगता। अपने गहने मांग के सबसे बड़ी गलती की। मैं उसी वक्त समझ गई कि सबके पीछे एक औरत का हाथ है, बहुत ही लालची औरत, और वो भी मेरे पहचान में से कोई। मेरे सर अभी क्या कर रहे हैं? अब मुझे क्यों देख रहे हैं? रास्ते पर ध्यान दीजिए ना। अब अगर एक्सीडेंट हो जाता, कुछ हो जाता तो अपना नहीं तो कम से कम आशी का ख्याल रखिए, मेरा ख्याल रखिए। हम अब प्लीज आगे देख के गाड़ी चलाइए नरेंद्र सर, और आराम से चलाइए, कोई जल्दी नहीं है। हाँ तो बिल्कुल आशी की तरह डांटती हो, और आप बिल्कुल आशी की तरह करते हैं।
क्या होने उनसे? ये ब्रेक क्यों नहीं लग रही है? मेरे से ब्रेक लग रही है। छोटी माँ की भी ना नींद ही नहीं आ रही है। नींद तो मुझे भी नहीं आ रही, मुझे भूख लग रही है। तुम मेरे लिए कुछ बना दोगी? ठीक है चलो। ये ब्रेड यहाँ पे कैसे आया? बड़ी होगी, भूत भूत कुछ नहीं होते, समझाओ इसे। किन्नरी कितनी डरपोक हो ना तुम, किसी भी चीज को देखकर चिल्लाना शुरू हो जाती है। भूत है भूत है भूत है, कहाँ है भूत? अपनी नींद खराब की और हमारी भी, जाकर सो जाओ। अब सच कह रही हूँ कि मैंने भूत देखा है। चलो अब सो जाओ जाके, चलो ले जाओ। Don't worry, मुझे पता है तुम्हें अंधेरे से डर लगता है। एक मिनट, मुझे कैसे पता कि तुम्हें अंधेरे से डर लगता है? तुमने तो कभी बताया नहीं। मैंने तो हर लड़की को अंधेरे से डर लगता है, इसमें बताने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, आराम से सो जाओ, मैं लाइटर बंद नहीं करूंगा। एक बात कहूं, I'm sorry। Sorry किस लिए? वो मैंने आप पे इतना गुस्सा किया, मीटिंग नहीं पहुंचने का ब्लेम आप पे डाल दिया। अरे इट्स ओके, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, मैं समझ सकता हूँ। और जहां तक मीटिंग की बात है, वो कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्या पता कोई बड़ा प्रोजेक्ट, इससे भी बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाए हमें। नरेंद्र सर आपने कहा है कि जब भी बिन मौसम बरसात आती है तभी बहुत सारी पुरानी यादें लेकर आती,
लेकिन अब तो हमारी यादें भी, अब कोई बरसात हमारी प्रेम कहानी पर से शुरू नहीं कर सकती। हेलो, हाँ जी इंस्पेक्टर, आनंद निवास चौल में आ जाइए। कुछ मच्छर कुछ ज्यादा ही फड़फड़ा रहे हैं। नहीं नहीं, भागने नहीं दूंगी इनको, आप आ जाइए। तो तुम्हारे मामू लोग आ रहे हैं, बाकी की खातिरदारी वो लोग करेंगे। शाबाश बेटा, इस गुंडागर्दी करने वालों को तूने अच्छा सबक सिखाया। इस चाली में मेरी कमी थी, वो तूने पूरी की। सविता जी, आपकी बहुत तारीफ सुनी है मैंने, आप ही से प्रेरणा मिलती है मुझे हमेशा। अरे, आपके बाजू में ही रहने आई हूँ मैं। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लगा तुम्हें देखकर। वो तो ठीक है सविता ताई, गलती इन लोगों की है कि कोई भी आता है इन पे गुंडागर्दी करता और ये बर्दाश्त करते हैं उसे, और कोई पलट कर जवाब भी नहीं देता है। अन्याय करने वालों से बड़ा गुनहगार अन्याय सहन करने वाला होता है। अगर हम इनके गुनाहों को ऐसे ही सहते रहे तो इन गुंडों की हिम्मत बढ़ेगी ना। आज इन ताई ने इनके खिलाफ आवाज उठाई है, अगर आप सब भी मिलकर आवाज उठाते तो ये गुंडे यहाँ से भाग चुके होते। बिल्कुल सही कहा तूने, अन्याय चाहे कहीं भी, पानी भरने की लाइन में, बस में, ऑटो में, सड़क पर, कहीं भी कभी भी हो, उसी वक्त उसका कड़ा विरोध करना चाहिए। उसे पहले की बुराई अपना सर उठा ले, उसे वहीं कुचल देना चाहिए। लेकिन हम डर जाते, ऐसा कुछ नहीं कर। हमें लगता है कि कोई मसीहा आएगा और वो हमें बचा लेगा। अब वो जमाना गया, अब आपको खुद अपना मसीहा बनना होगा और खुद अपनी सुरक्षा करनी होगी। सिर्फ इंडिया गेट पर कैंडल जलाने से कुछ नहीं होगा। अगर कैंडल जलानी है तो अपने अंदर जलाइए। मोर्चा निकालना है तो अपने अंदर निकालिए। अच्छे विचारों का मोर्चा, तभी अपने सामने के दुश्मनों को आप हरा पाएंगे। ए, ए, चल शाना बन। चल, चल कड़ा रे। अब आप बताइए इनके साथ क्या करना चाहिए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? मार दिया जाए, मार दिया जाए, मार दिया जाए। तो ठीक है, पुलिस के आने से पहले इन पे हाथ साफ कर लो। चले, मार दिया जाए, मार दिया जाए, मार दिया जाए। बहुत अच्छा किया बेटी तुमने, तेरे जैसी बेटी अगर हर घर में होगी ना तो इस देश का भला होगा। तू बेटी नहीं, बेटा है बेटा, बेटा। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।